ठाण्यातील वागळे इस्टेट इंदिरानगर परिसरात राहणाऱ्या कृष्णानंद सिंग उर्फ हॅपी या रिक्षाचालकाने नशा करण्यासाठी पत्नीने पैसे दिले नाहीत म्हणून आपल्याच पत्नीला चालू रिक्षातून ढकलून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पती एवढ्यावरच न थांबता त्याने पत्नीला रुग्णालयात घेऊन जाण्याऐवजी घरी आणले आणि तिला रॉडच्या साह्याने पुन्हा 2 वेळा मारहाण केली. सध्या महिलेच्या डोक्याला, हाताला, पायाला गंभीर दुखापत झाली असून तिच्यावर ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पीडित महिलेच्या बहिणीला हा संपूर्ण प्रकार कळल्यानंतर बहिणीने पीडितेला ठाण्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार साठी भरती केली आहे. सध्या या प्रकरणी ठाण्यातील वागळे पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेचा जबाब नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलीस पीडित महिला आणि तिच्या नातेवाईकांचा जबाब नोंदवून घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करत आहेत. मेरा नाम शालिनी सिंह है. मेरी बहन घाटकोपर विद्या विहार में काम करती है. एक पार्लर में झाड़ू पोछा का काम करती है. उसका पति पैसे मांग रहा था उससे, तो उसने बोला पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट मिलता है तो मैं देती हूँ. तो वहाँ गया जहाँ वो काम करती है. जाने के बाद वहाँ उसको बहुत पीटा, उधर से लेके आया और नाक पे मारा, नाक से खून आया. चलते ऑटो में से धक्का दिया, गिर गई. 2-3 लोग उन्हें उठाया. जब होश में आई तो फिर बहुत दूर जा चुका था वो. वहाँ से लौट के आया और उसे उठा के फिर बोला मेरी बीवी है, मैं लेके जाऊँगा. लेके आया, घर पे लाया, लोहे के सरिये से बहुत मारा. लोहे से के सरिये से मारने के बाद वहाँ से घर पे मारा. उसके बाद वो सोया थोड़ी देर. फिर उसके सास और देवर ने उठा के उसको शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उन लोगों ने ये नहीं बताया कि मारा है किसी ने. ये बोला कि बस से गिर गई है. बस वहाँ रात भर रखे. डॉक्टर ने जो दवा पानी करना था करा. फिर सुबह घर लेके आए. घर लेके आने के बाद फिर से उसने लोहे का सरिया उठाया. मेरी बहन को बहुत पीटा, जानवरों के माफिक पीटा. वहाँ पे घर पे आई, पीटा. फिर मेरी बहन ने बोला बाहर बाथरूम है. मेरी बहन ने बोला मैं बाथरूम से आ रही हूँ. बाथरूम के बहाने मेरी बहन वहाँ से पागलों की तरह भागी. ऑटो पकड़ा, उसके पास पैसे भी नहीं थे. ऑटो पकड़ा, यहाँ मेरी बुआ के घर है खोपरी में. यहाँ मेरी बुआ के घर आई, उतरी, फिर ऊपर आई कैसे कैसे. फिर मैं पैसा ले जाकर ऑटो वाले को दिया. ऐसे सारे मामले मालूम पड़े हैं हमें. बाजू वाले के घर में रखा हमने. उसके बाद फिर शाम को यहाँ आए, हॉस्पिटल में बात किया तो इन्होंने बोला पुलिस केस है, पुलिस केस करो. पुलिस केस किया हमने. उसके बाद रात को 1 बजे एडमिट किया. पुलिस वालों ने भी 2 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं थी. मेरी मांग बस इतनी ही है कि मेरी बहन को न्याय मिले. मेरी बहन को उसके साथ नहीं रहना है और उसका एक बच्चा है, बच्चा भी हमारे पास ला के दिया जाए और उस शर्त पे दिया जाए कि बच्चे को दोबारा उनके पास नहीं जाना.